नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 24 मई और जो भी स्टूडेंट्स मुझसे ये कहते हैं कि मैम इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी, तो आप सभी लोगों के लिए हमारा ये पेड ग्रुप चल रहा है। इस पेड ग्रुप में आप एनरोल करके जितनी भी डेली की पीडीएफ्स हैं, वीकली पीडीएफ्स हैं और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा कंटेंट आप पा सकते इन नंबर्स पे। आप कॉल कर लीजिए या आप व्हाट्सएप नंबर पे आप नंबर ड्रॉप कर दीजिए अपना, या फिर आप प्रॉपरली किसी भी प्लेटफॉर्म पे हमारे इस नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्री इनिशिएटिव्स वो आप यहाँ पर देख रहे हैं, उस पीडीएफ की एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ। आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल सबसे पहला है ओपन नेटवर्क के ऊपर, बॉन्ड यील्ड, फिर है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स टेक्सटाइल पार्क्स, मीथेन के ऊपर और हरित हाइड्रोजन के ऊपर। सबसे पहला हमारा आर्टिकल ये कहता है कि ओपन नेटवर्क होना चाहिए डिजिटल कॉमर्स के लिए। आप सभी लोग डिजिटल कॉमर्स समझते हैं, डिजिटल कॉमर्स का मतलब क्या होता है कि जो पूरी एक बहुत बड़े लेवल पे हमारे इंडिया में कॉमर्स का सिस्टम चलता है ना, कि जो भी हम लोग यहाँ पर पूरा एक सिस्टम बना के चलते हैं जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं, जहां पर आप ह्यूमन की इंटरफेयर के बिना हम क्या कर सकते हैं, इजीली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू सारा मार्केट कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटेड होता है, चाहे मार्केटिंग हो चाहे सेल्स हो, उसे कहते हैं हम डिजिटल कॉमर्स या फिर ई कॉमर्स। ठीक है, और इन सब के अंदर इसके लिए क्या होना चाहिए, एक ओपन नेटवर्क होना चाहिए। अभी ओपन नेटवर्क का क्या मतलब है, डिजिटल कॉमर्स में ओपन नेटवर्क क्या चीज होती है, इसमें ONDC कहते हैं इसको। ONDC का मतलब होता है इंडिया इसके लिए पूरी कोशिश भी कर रहा है, जिसमें हम लोग प्रॉपर तरीके से एक ई कॉमर्स को भी डेमोक्रेसी दे देंगे। मतलब क्या है, ई कॉमर्स का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको ओपन अप कर देंगे, क्योंकि अभी ONDC करीब करीब 1 लाख से ज्यादा यहाँ पर ऑर्डर्स लेना, मतलब इसमें क्या होगा ना कि सारा कुछ ओपनली आपको अवेलेबल होगा, जितने भी गुड्स हैं जितने भी सर्विसेज हैं। ठीक है, तो ओपन प्रोटोकॉल्स होगा और सेम सबके लिए यहाँ पर सेम प्रोटोकॉल रहेगा। यहाँ पर जो भी यहाँ पर एक रूल बना दिया गया वो सबके लिए सेम होगा और सभी लोग यहाँ पर एक एक प्लेटफॉर्म का यूज करके अपनी चीजों को बाय कर सकते, अपने कुछ भी आपको सामान चाहिए खरीद सकते हैं और वही सेम पर्सन को आगे सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक बात ये होगी ना, इससे जो भी छोटे छोटे बिजनेस होंगे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, और जो भी आपका ट्रांजेक्शन है वो वहां पर विजिबल होगा, ओपन होंगी सारी चीजें, कुछ भी जो है वो हर चीज को ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा। ठीक है, जैसे आज के समय में अमेजोन फ्लिपकार्ट है, वो भी यहाँ पर इस पूरे को बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स की तरह यहाँ आने चाहती है। ठीक है, वो कौन से और प्लेटफॉर्म पे है, ये अपना खुद का नेटवर्क होगा ONDC के नाम से, जहाँ पे सारा कुछ जो है प्रमोशन एक ही जगह पे किया जाएगा और ये जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देखेगी और उसी में एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वो यहाँ पर पूरा इस चीज को चेक करेगा, जहाँ पे सारी चीजें आपको एक साथ दे दी जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे सारी गुड्स एंड सर्विसेज होगी और किसी एक की मोनोपोली नहीं, डिजिटल मोनोपोली में अमेजोन की है, फ्लिपकार्ट की है, मिंत्रा की है। अब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारे और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि अमेजोन प्लेटफॉर्म पे सबको यहाँ पे सेल करना पड़ रहा है, नो, एक बहुत बड़ा ओपन नेटवर्क होगा जहाँ पे सबको अपने अपने हिसाब से कर सकते। ठीक है, इसके बेनिफिट ये होंगे कि भाई छोटे छोटे जो बिजनेस होंगे उनको बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, कस्टमर्स तक बहुत ज्यादा बढ़ेगी और सप्लायर, लॉजिस्टिक, कंज्यूमर, जो जो यहाँ पर किस किस की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट एक साथ यहाँ पे पूरी होने की कोशिश की जाएगी, चाहे कैटलॉग लेके आना हो, पूरा मैनेजमेंट करना हो, सब चीजें यहाँ पर हो। लेकिन इसमें यह होता है कि
लोकल बिजनेस को थोड़ा सा यहाँ पर चीजें हो जाती है कि लोकल बिजनेस या स्मॉल बिजनेस होता है तो उनको डिस्काउंट ज्यादा देना और उन सब बाकी सब जो ऑलरेडी अच्छे खासे यहाँ पर कॉमर्स के डिपार्टमेंट्स हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे पैसा अभी मतलब सही अर्न कर रहे हैं, उनके साथ कंपीट करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक ही इसका ये ड्रॉबैक है, बाकी कोई खास इसका ड्रॉबैक ऐसा है नहीं। बाकी इसमें क्लैरिटी अभी धीरे धीरे आएगी क्योंकि अभी क्लैरिटी भी यहाँ पर साफ है नहीं, क्लैरिटी भी धीरे धीरे ही आएगी। अभी तक कोई इसका रूल तो स्पेसिफिक बना नहीं है तो क्लैरिटी भी नहीं है, तो इसकी क्लैरिटी आने में थोड़ा सा समय लग सकता है, राइट। तो आगे आने वाले समय में यही है कि भाई इसके अंदर एक अच्छा सा नेटवर्क डेवलप किया जाएगा तो इससे हमारा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। प्रीलिम्स मतलब जो भी हमारा अभी पीसीएस के एग्जाम आ रहे हैं या वन डे का एग्जाम जो आ रहा है ना उसके लिए इम्पोर्टेंट बन सकता है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद बॉन्ड यील्ड। इंडिया के जो रिजर्व बैंक है उन्होंने देश के उच्चतम मूल्य के करेंसी नोटों को प्रचलन से बाहर करने के कदम के बाद भारतीय बॉन्ड प्रतिफल में काफी गिरावट देखने को मिली है। बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि भाई आपने एक बॉन्ड खरीद लिया, आपने एक बॉन्ड यहाँ पर ले लिया, इन्वेस्टर्स ने किया, यहाँ पर निवेशक द्वारा एक ऋण लिया जाएगा और उसको आपको प्रॉपर ब्याज दे करके पूरा उसका भुगतान भी यहाँ पर करना होगा। जिस समय से बंध पत्र जारी किया जाता था जब से ये चीज किया जाता था तब से ये चीज को कहा जाता है कि वो ये टर्म तो मेच्योरिटी है, जब उसको वापस पूरा दे दिया जाएगा उसे मेच्योर होना कहते हैं, ठीक है। तो ये बॉन्ड्स के ऊपर जो यहाँ पर बात चल रही है काफी गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर इसकी वजह से। बॉन्ड यील्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी निवेशक है जब भी वो बॉन्ड खरीदता है तो अनिवार्य रूप से एक बॉन्ड जारी करने वाले को एक पैसा देता है, उधार में देता है। बदले में क्या होता है यहाँ पर वो उसको जो भी जिसने भी पैसा देने के लिए तैयार हुआ है वो यहाँ पर उसको पैसा पूरा देता है और वो दूसरा वाला अग्री करता है, ठीक है। और इस पे जो पैसा कमाया जाता है ना जो ब्याज के तहत आता है उसे कहते हैं यील्ड, ठीक है, उसे आय कहा जाता है यील्ड, ठीक है। ये प्रतिफल होता है जो कि आपको अलग से एक मिलता है यहाँ पर जब आपकी जैसे जैसे मैच्योर होने वाली होती है तब आपको एक नया एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे दर्ज किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये जो है ना यहाँ पर बंध पत्र धारकों को बंध पत्र की अवधि के अंत में बंध पत्र का अंकित मूल्य प्राप्त होता है, ठीक है, अलग से यहाँ पर मिलता है जिसकी वजह से पूरा एक बॉन्ड जो है वो एक एस्टैब्लिश होता है। इसको कैसे काउंट किया जाता है, बॉन्ड यील्ड का फॉर्मूला होता है कूपन अमाउंट अपॉन में प्राइस। प्राइस और यील्ड दोनों आपस में अलग, अगर प्राइस जो है बॉन्ड का वो बढ़ता जाएगा तो उसकी जो आय होगी वो घटती जाएगी, और जैसे आय घटती जाएगी आय बढ़ती जाएगी बंध पत्र का मूल्य जो है वो कम होता जाएगा। तो अभी ये एक निकाला गया है, ये आपको बस शॉर्ट में एक छोटा सा पता होना चाहिए यील्ड और प्राइस आपस में कैसे कोरिलेटेड होते हैं। तीसरा आर्टिकल है हमारा, अभी ये काफी बड़ा यहाँ पर आप लोगों ने जरूर देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई है भी पपुआ न्यू गिनी में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो गए थे, तो वहां पर जो जैसे वो गए उनको ग्रीट करने के लिए पपुआ न्यू गिनी के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने वहां पर उनके फीट को टच किया है, पांव छुए हैं उनके। तो यहाँ पर अभी जो पपुआ न्यू गिनी के अंदर इंडिया और पैसिफिक आइलैंड्स का जो भी एक कोऑपरेशन है जैसे हम कहते हैं सहमति एक साथ हो जाना उसका एक यहाँ पर समिट ऑर्गेनाइज किया गया है। और इसी के सेशन में यहाँ पर क्या बताया गया कि भाई दिल्ली और जो हमारी भारत है वो पूरी तरीके से हर जगह पे कोशिश करेगी कि हम किसी भी तरीके से आगे बढ़ के यहाँ पर करें। अब हमसे क्या क्वेश्चन बनेगा भाई, पहला क्वेश्चन कि हुआ कहाँ पे, पोर्ट मोरसे बाय के अंदर, पोर्ट मोरेस बाय पपुआ न्यू गिनी में हुआ जो कि इंडिया और पपुआ न्यू गिनी दोनों ने मिलकर किया है, दोनों ने ही यहाँ पर चेयरमैनशिप होल्ड करी है। तो जो भी डिसीजंस वगैरह लिए जाते हैं वो सब इसी के तहत लिए जाते हैं। और ये फोरम कौन सा जिन्होंने यहाँ पर डिसाइड करा, फोरम का नाम है फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन, जिसमें इंडिया और पैसिफिक आइलैंड्स का कोऑपरेशन हुआ। पैसिफिक आइलैंड्स में 14 पैसिफिक आइलैंड नेशंस को यहाँ पर बुलाया गया था, कुक आइलैंड जो कि न्यूजीलैंड के पास पड़ते हैं, फिजी आइलैंड, किरीबाती, मार्शल, माइक्रोनेशिया, नौरू, समोआ, सोलोमन, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू, ववान, ये सारे जो है आपको पैसिफिक में मिलेंगे। ऑलमोस्ट ये सारा कुछ किसका पार्ट है, ये ओशियानिया का पार्ट है। मैं आप देखा ना जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर का रीजन, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट साथ में न्यूजीलैंड आता है उसके ऊपर पूरा ओशियानिया आता है, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया,
ठीक है, तो वो सारा रीजन जो है ना वो ये उसी आइलैंड का पार्ट एक साथ जुड़ा। तो यहाँ पर जितने भी स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, वो यहाँ पर सुवा फिजी में मिले हैं, जहाँ पे ये एनुअल समिट पूरा किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर पैसिफिक रीजन में हम इंडिया को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो ये पूरा इनिशिएटिव इसके लिए है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्या है कि इस बार हुआ कहाँ पे, ठीक है। दूसरा, इसके पार्टिसिपेंट कौन है। हमारा जो भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है या वन डे एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ना पसंद होता है एग्जामिनर्स को पूछना कि इनमें से कौन सी इसकी मेंबर कंट्रीज है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ चीजें हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रही हैं, तो समटाइम्स इट हैपेंस कि हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं चीजों को, और हम नहीं लिख हम भूल जाते हैं कि भाई इसके अंदर ये पार्ट था या इसके अंदर ये पार्ट, ठीक है। समटाइम्स इट हैपेंस विद ऑल ऑफ अस, राइट। तो उसी के लिए ना ये उसी चीज का फायदा उठाते हैं एग्जामिनर्स, तो बस वही चीज है ये, ठीक है भाई। तो ये आपको एक लर्न करना है अलग से, ये इट इज इम्पोर्टेंट, इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। कंट्रीज के नाम कोशिश कीजिएगा, ये सारी कंट्रीज आप एक बार लर्न करो एग्जाम से जस्ट पहले, ठीक है भाई। अगला हमारा फोर्थ टॉपिक आता है मेगा टेक्सटाइल पार्क। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर अभी जो है धार एमपी में ओपन अप किया है, और ये मेक इन इंडिया जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आएगा। एक्चुअली में हमारी मित्रा स्कीम चल रही है, पीएम मित्र स्कीम। ये मित्र स्कीम क्या बना रहा है, जितने भी टेक्सटाइल पार्क्स है ना उनको बनाने की बात करता है ये मित्र स्कीम। अब इसी मित्र स्कीम के तहत जो है ना हर जगह पे अलग अलग, जैसे अलग अलग जगह पे बनाया गया, पहले मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इसको देख रहा है पूरा, मतलब टेक्सटाइल में ऐसा है ना कि इसी जगह पर जितने भी फीमेल हैं या जितने भी लोग वहां पे रहते हैं, वो एक ही जगह पे रह करके सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे मार्केटिंग हो, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, चाहे सेल करना हो, एक ही पार्क होगा जिसमें सारा कुछ एक साथ हो जाए, ठीक है। ये पहले से प्रपोजल चल रहा है, भेंसोला बंदावर डिस्ट्रिक्ट धार के अंदर इसको बनाया गया है, और इसमें करीब 50,000 पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और 1.5 लाख इनडायरेक्ट मिलेगी। धार, झाबुआ, रतलाम डिस्ट्रिक्ट जो है मध्य प्रदेश के, उन लोगों को तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होगी, जो वहां पे रहने वाले जितने भी SC ST या फीमेल कैटेगरी पीपल है। और धीरे धीरे करके ये सब पार्क्स को नॉट ओनली मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी सब में एस्टैब्लिश किया जाएगा, जहां पर हर चीज इंटीग्रेटेड होगी, जैसे हम कहते हैं एकीकृत होगी, चाहे कुताई, बुनाई, रंगाई, छपाई, हर चीज से लेकर के एक ही जगह पे सारी चीजों को डेवलप किया जाएगा। और ये पूरी जो स्कीम चल रही है दैट इज अंडर द पीएम मित्रा स्कीम। मित्र स्कीम इट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क स्कीम टू स्ट्रेंथन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ये टेक्सटाइल के लिए, बिकॉज पूरे को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी देर इज अ मिनिस्ट्री विच इज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, राइट। तो पीएम स्टार्टेड दिस, इन्होंने क्यों 5F का फॉर्मूला रख के स्टार्ट किया था, फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री जाता है, फैक्ट्री से फैशन, फैशन टू फॉरन। तो उसी चीज को यहाँ पे ध्यान रखते हुए ये पूछा जा सकता है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया, इंडिया टू मेक अ ग्लोबल टेक्सटाइल्स मैप, वैश्विक वस्त्र मानचित्र पे आना, ये सारी चीजें बनाई जाएंगी। तो ये पूरा पार्क किस तरीके से PPP मॉडल पे चलेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर, निजी सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को यहाँ पर चलाते हुए इसकी पूरी तैयारी की गई है। और इसकी एक मतलब इंडिया को एक टेक्सटाइल हब बनाने के लिए ये काफी बड़ी एक कोशिश है, जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके आएंगे। 20 लाख से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ये पूरा एक यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, आप कह सकते हो ऑल इन वन पार्क। जैसे आज के टाइम पे बहुत सारी चीजें ऑल इन वन करके चलने लग गई है ना, ऐसे ही ऑल इन वन करके ये पार्क्स होंगे, जिसमें अभी तक तो काफी ज्यादा लाइक 70,000 करोड़ का यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है, अभी हाल फिलहाल के में भी का बजट एलोकेशन काफी है। तो यहाँ पर बहुत सारी मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, स्पिनिंग के लिए, वीविंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए, डाइंग, प्रिंटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, हर चीज के लिए चाहिए होगी, लॉजिस्टिक्स की कार्ड कॉस्ट चाहिए होगी, तो वो सारी चीजें यहीं से डेवलप हो सकती है। स्कीम तो आ गई थी अक्टूबर 2021 में, पर इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन अब जाके शुरू होने लग गया है, धीरे धीरे करके डेवलप होने लग गया, राइट। फिफ्थ आर्टिकल है हमारा ग्लोबल मीथेन एमिशंस को रिड्यूस कर। अभी तक पूरी स्टडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 13% ही ग्लोबल मीथेन जो यहाँ पर पूरा है उसको रिड्यूस किया गया है, 13%।
देखो मीथेन को रिड्यूस करना क्यों जरूरी है, आप सभी लोग जानते हैं कि वो ग्लोबल वार्मिंग में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, सही? ठीक है, सब जानते हैं ना इस चीज को। 13% ही है, लेकिन वो 25% से ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग को कॉज करने का कारण। अभी तक हम मीथेन को रेगुलेट क्यों नहीं कर पाए? हम लोग कार्बन एमिशंस पे तो बहुत फोकस कर रहे हैं हाल फिलहाल में। कार्बन के ऊपर तो बहुत टर्म्स निकल के आ गई कि भाई कार्बन कार्बन कार्बन, ये तो चलो बहुत निकल के आ गया, लेकिन इस पूरे में मीथेन का नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि देखिए मीथेन के ऊपर अभी तक रिसर्च वर्क बहुत कम देखने को मिल रहा है, लोगों को नॉलेज ही बहुत कम है। अभी अभी यहाँ पे जो पॉलिसीज हैं, जितना भी यहाँ पे रिसर्च वर्क होता है, उसमें मीथेन के ऊपर उतनी नॉलेज निकल के आ ही नहीं पाई है। कार्बन पे अभी बहुत फोकस है, ठीक है, और अभी तक जो जितनी भी मीथेन से जुड़ी हुई पूरी चीजें हैं वो अभी तक ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में फोकस्ड है, कुछ बची हुई यूरोप में, बाकी बची हुई एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब में भी कुछ भी नहीं, ठीक है। और बहुत ही कम सैटेलाइट्स हैं जो मीथेन एमिशंस को यहाँ पे चेक करके हमें उसका डेटा बताते हैं। अभी हमने वो टेक्नोलॉजीज को मीथेन में यूज ही नहीं करा है, तो अभी पॉलिसीज भी नहीं आई, ठीक है। इसकी वजह से मीथेन की पॉलिसीज अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें, समझ रहे हैं सब लोग? तो कवरेज बहुत कम है इसकी, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसके लिए कोशिश की गई थी, जो पेरिस अग्रीमेंट आप लोगों को याद है 2015 में हुआ था, सबसे बड़ा एग्रीमेंट, जिसमें ये ऑब्जेक्टिव था कि हमें अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम ही रखना है, प्लस जो हमारी मीथेन एमिशंस होते हैं उसको 2030 तक आते आते रिड्यूस करना है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मीथेन के लिए पूरी कोशिश की गई है, और हाल फिलहाल 2015 में ही हुई है, तो इसको अब यहाँ पर ठीक करने की कोशिश में नए नए रिसर्च वर्क किए जा रहे हैं, ठीक है। आपने भी अभी बहुत ज्यादा सुना होगा, चाहे मेरे से सुना हो, चाहे किसी और, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कुछ भी आप पढ़ते हो, आपने जरूर ये चीज नोटिस की होगी कि जितना भी हमारा अभी क्लाइमेट चेंज का टॉपिक है वो सब कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैंने भी आपको बहुत बार कार्बन के ऊपर, कार्बन मार्केट, कार्बन एमिशंस, कार्बन टैक्स वगैरह वगैरह, मैंने आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे कार्बन से जुड़ी हुई बताई है। बट उसके अलावा जो भी है ना वो हम लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है ना, ये मीथेन वगैरह वो सब हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कम चीजों की जानकारी होती है, तो ये प्रॉब्लम एक बहुत ज्यादा बढ़ती जाए। तो उसी चीज को यहाँ पर खत्म करने के लिए, या यूं कह लीजिए कम करने के लिए, ये पूरा प्रोसेस को यहाँ पर इनकलकेट किया। क्लियर हुआ सबको? तो ये भी एक न्यू यहाँ पर आ रही है। आप इसको भी एक बार याद रखिएगा। ये इम्पोर्टेंट है सारी चीजें आपके लिए, इन सबको भी आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है भाई? तो मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इन चीजों के ऊपर, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू थोड़ा सा इसको आप एक बार जो है रीड रीड कर लेना, ना इनफ हो जाएगा। बाकी देखो भाई मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, आप सभी लोग जानते हैं। मीथेन जो है बहुत ज्यादा ग्रो करता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, साथ ही साथ 42% एग्रीकल्चर, 36% फॉसिल फ्यूल, 18% वेस्ट से ये निकाला जाता है, तो प्रॉब्लम्स तो काफी सारी है इसकी, राइट? और इसका इम्पैक्ट भी है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, और ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड की कंपैरिजन में। ये हमारी हेल्थ को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, चाहे हमारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो, है ना, एग्रीकल्चर में भी क्रॉप लॉस में है, तो काफी मीथेन के हमारे निगेटिव इम्पैक्ट देखने को। अब इसी टॉपिक को बढ़ाते हुए आगे आएगा ग्रीन हाइड्रोजन, दोनों टॉपिक साथ साथ चलेंगे। क्योंकि देखो क्या है ना कि आज के टाइम पे जो ये है ना टॉपिक हमारा कि सबको यहाँ पर क्या करना चाहिए, हाइड्रोजन में ग्रीन करना चाहिए, तो अभी गुजरात यहाँ पे ये काम कर रहा है। गुजरात कंट्री का पहला ऐसा बन सकता है आगे चल के जो कि मैन्युफैक्चरिंग हब में तो टॉप करता ही है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन को भी टॉप करेगा, क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े जो कंपनीज है जैसे कि रिलायंस, अडानी, मित्तल, लार्सन एंड टर्बो, तो उन्होंने काफी सारे ग्रीन प्रोजेक्ट्स में वहां पे इन्वेस्टमेंट करा,
हाइड्रोजन जो है वो हो सकता है आगे आने वाले समय में फॉसिल फ्यूल्स को रिप्लेस कर दे। इंडिया की गवर्नमेंट वहां पे खूब कोशिश कर रही है कि फॉसिल फ्यूल के फीड स्टॉक उन सबको यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन में बदल दे। तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के अनुसार हाइड्रोजन जो है वो 12% से ज्यादा यहाँ पर मिक्सअप हो जाता है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी निकाली है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, जिसमें 66% जो हाइड्रोजन है वो वाटर से आएगी ना कि नेचुरल गैस से। सो आगे आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा सोर्स बन सकता है जिसमें जीरो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं निकलेगा, और साथ ही साथ हमारे घरों में जो बिजली और इंडस्ट्रीज में जो बिजली आएगी वो ग्रीन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? जिसमें आप जो भी हमारा विंड से और सोलर एनर्जी से हमें पावर निकलती है उसको हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट करके जीरो कार्बन की हेल्प से पूरा उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से विंड और सोलर एनर्जी नेट जीरो एमिशन के टारगेट को बहुत इजीली अचीव कर देंगे। आज के समय में जितने भी हाइड्रोजन बनती है उसमें 1% से भी कम है जो कि ग्रीन होती है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इंडिया में एनर्जी डिमांड बहुत ज्यादा है, चाइना, यूएस, यूरोप के बाद इंडिया है। क्लीन एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही क्योंकि यहाँ पर पेरिस अग्रीमेंट में इंडिया ने प्लेज लिया है कि बाय 2025 एंड 2030 के बीच में 33 से 35% तक हमारे कार्बन एमिशंस रिड्यूस हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम होगी, टेक्नोलॉजी इंडिजनाइजेशन होगी, दैट मीन्स इंडिया की टेक्नोलॉजी इंडिया में ही रहेगी। तो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है वो आया है, लेकिन इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज द कॉस्ट, इट इज वेरी कॉस्टली। तो सबसे बड़ा कॉस्ट इसका एक बड़ा रीजन है हमारा। लेकिन क्या होता है ना कि हाइड्रोजन जो है उसमें एनर्जी तो बहुत है बट उसको कंप्रेस करके लिक्विफाइड करना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसका यहाँ पर ना इसको यूज करने से पहले इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई पड़ रही है। तो अब इसके कोई ऑल्टरनेटिव्स आए नहीं है कि हम इसको कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं, ठीक है भाई। साथ ही साथ इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा अमाउंट में लेती है, फ्यूल सेल्स का बहुत ज्यादा इसमें जो है वो खर्चा होता है। तो इन सब चीजों की वजह से है कि बस यही है चीज की हम वर्ल्ड के इनिशिएटिव से सीख सकते हैं। जस्ट लाइक साउदी अरेबिया ने इन सब चीजों को यहाँ पर रिड्यूस करा है। $5 बिलियन की यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की कोशिश करी है और क्लीन एनर्जी करना, तो ये सब ये प्रोसेस जो है वो जैसे वर्ल्ड यहाँ पे करता जा रहा है प्रोसेस को, वैसे ही हम लोगों को भी यहाँ पर उनसे सीख के प्रोसेस को जो है वो इंकल्केट करने की कोशिश करनी, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर। ये थे हमारे आज के सारे आर्टिकल्स। मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ओरांग नेशनल पार्क। ओरांग नेशनल पार्क जो है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर आसाम में सिचुएटेड है, बिल्कुल सही बात है, इसे नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया है। इसे मिनी काजीरंगा भी बोला जाता है। देखो भाई आसाम जो है ना, आसाम में टोटल 7 नेशनल पार्क, कितने हैं टोटल 7, मैक्सिमम कहाँ पे है मध्य प्रदेश में, उसके बाद कहाँ पर है, उसके बाद हमारे अंडमान निकोबार और फिर उसके बाद आसाम में। तो आसाम के जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा, मानस, देहिंग पचकाई, राइमोना, दिब्रू साइकोवा, नामेरी, ऐसे करके 7 है। तो उसमें से एक है ओरांग नेशनल पार्क। तो ये ओरांग नेशनल पार्क के फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, बिल्कुल सही सारे फैक्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और ये जो ओरांग नेशनल पार्क है ये सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है, जिसमें अच्छे खासे राइनासेरोस आपको मिल जाएंगे, बंगाल टाइगर भी मिल जाएंगे, वाटर बफेलो होती है ना पानी में रहने वाली वो भी मिल जाएंगे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास ही पड़ता है। इसे पहले तो ब्रिटिश अथॉरिटी के संभालते थे, उसके बाद से फिर ये इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में हमेशा से, ठीक है भाई। तो ये सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे ठीक लिखी हुई है। फर्स्ट वाली जो पूरा है आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ दी अबव। अगला है हमारा मछलीपट्टनम पोर्ट के ऊपर। अब ये मछलीपट्टनम पोर्ट विजयवाड़ा में बना हुआ है, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में। मछलीपट्टनम पोर्ट जो है ना, ये मछलीपट्टनम जगह में बना, ठीक है। देखो वैसे तो इसकी जो पूरी एक फाउंडेशन है वो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YV रेड्डी, उन्होंने यहाँ पे किया था, लेकिन जब से उनकी डेथ हुई
उसके बाद से इसके ऊपर कोई जो है नहीं देखा गया। अभी इसको एक प्रपोज किया गया है कि मछलीपट्टनम में एक डीप सी का पोर्ट बनाया जाएगा लैंड डॉट मॉडल के ऊपर। लिखी दोनों बातें सही है। अब आप लोग कहेंगे ये डीप सी पोर्ट का मतलब क्या होता है? डीप सी मतलब कि बिल्कुल पानी के अंदर की जो चीजें हैं ना उसको देखते हुए पोर्ट्स को यहाँ पर डेवलप किया जाए, उसे कहते हैं डीप सी पोर्ट्स। बहुत ही डीप लेवल पे जाकर के, जैसे भारत में एक पोर्ट डीप सी पोर्ट है ऑलरेडी, जैसे कि धामरा पोर्ट। कहाँ पे है ये धामरा पोर्ट? ओडिशा के अंदर। ये ऑलरेडी एक डीप सी पोर्ट, बहुत पुराना पोर्ट है ये धामरा का। धामरा एक जगह का नाम है उड़ीसा में। ये एलएनटी ने बनाया था और टाटा ने बनाया था मिलकर के। ऐसे ही आप लोगों को पता ही है जेएनपीटी, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई में बना हुआ है। ऐसा ही एक और पोर्ट ट्रस्ट है जो कि आंध्र प्रदेश में बना हुआ है, डीप सी बना हुआ है, वो है कृष्णापट्टनम। ठीक है, तो ऐसे ही मछलीपट्टनम, कृष्णापट्टनम, ये सारे जो हैं ये डीप सी पोर्ट के रूप में बनाए जाएंगे ताकि डीप सी माइनिंग करना और इजी होता जाए। वैसे अगर एशिया की मैं बात करूं तो डीप सी पोर्ट सबसे ज्यादा चाइना के अंदर लोकेटेड है। ठीक है भाई, तो मछलीपट्टनम याद रखिएगा। ये अभी आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाया है। करीब 5,000 करोड़ में इसकी कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करवाया गया है। ठीक है, ये स्टेट की गवर्नमेंट खुद ही बनवा रही है और इसको यहाँ पर संभालने के लिए मछलीपट्टनम पोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड यहाँ पे पूरा संभालेगी। ठीक है भाई, तो मछलीपट्टनम पोर्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पुराना पोर्ट चलता आ रहा है, लेकिन इसमें और कंस्ट्रक्शन डेवलप की जाएगी, डीप सी है और ये प्रपोज्ड है, इसीलिए न्यूज में है, करंट अफेयर्स में चल रहा है। यहाँ पर पहले के टाइम पीरियड में डायमंड्स, टेक्सटाइल, कॉपर कॉइन्स, इन सबको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। ठीक है ना, तो इसको भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, सीधे सीधे फैक्ट्स बनते हैं इन चीजों के ऊपर। इन सबको लर्न कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, लिखिएगा। जितनी इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताती हूँ या हम जो क्वेश्चंस करते हैं वो इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं। बाकी देखो, अगर ग्रीन हाइड्रोजन पे क्वेश्चन आता है, जैसे हमारा क्वेश्चन आता है मान लीजिए मीथेन के ऊपर, तो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया है, कंटेंट आपके सामने है, तो आपने बस क्या करना है, आपने इसके अंदर सारी सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों को स्टडी करते जाना कि देखो ये है, ऐसे है, वैसे है। तो जो जो आपको बताया गया ना इसके अंदर, वो आप लोगों को कंप्लीट करते हुए, समझते हुए लिखते जाना। समझ रहे हैं सभी लोग? तो इसको अपना कंप्लीट कीजिएगा, इसको सारा कुछ आप लोग जो है यहाँ पर कंप्लीट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।